What's up guys, welcome back to the channel, welcome back to the another new vlog. I hope you guys are doing absolutely well. So right now it's 10:44 in the morning and निकल रहा हूँ अभी मैं घर से. सो अभी का सीन ये है कि मुझे जाना है दो तीन काम खत्म करने के लिए एंड उसके बाद जाना है ऑफिस. थोड़ा सा बिजी है आज का शेड्यूल्ड, तो इसको करते सबसे पहले कूल शॉट. कवर नहीं डाला था, भूल गया था, तो बाइक हो चुकी है वापस गंदी, बट पहले कर देते इसको कूल शॉट. हाँ, इसमें फ्यूलिंग लेवल वापस आ चुका है, बट अभी मैं फ्यूलिंग नहीं डलवाने वाला क्योंकि एक दो दिन में इसकी डील हो रही है फाइनल. सो अभी मेरे को तो लग रहा है कि इसको और 5-6 दिन आराम से चल जाएगी क्योंकि इसमें फ्यूल लाइक फ्यूल इंडिकेशन के बाद भी आराम से 100 किलोमीटर चल जाती है. तो अपनी बाइक तो है सकाश है पूरी, बट उसको एक बार वॉश करवा के दूंगा. जो भी बंदा लेगा तो उसको उसको रख देते हैं इधर वापस. उसको होने देते कोई शॉट नहीं, एक्टिव नड़ गई थी बीच में, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा पीछे. यस, फाइनली बाइक इज ऑल सेट. तो बस सो फाइनली गाइज लेफ्ट फ्रॉम दी होम एंड एक चीज़ है कि बाइक की विंडशील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा ही वॉबल कर रही है, पता नहीं क्यों. मेरे को मैं इसके लिए वो डॉल्बी पिन्स लेकर आया था, डालनी थी बट मैं भूल गया डालना एंड और भी सारी चीज़ें रह गई साथ में, तो पूरा का पूरा छूट गया. एंड अभी का सीन ये है कि आज मुझे जाना है कुछ कुछ काम ख़त्म करने के लिए. सो कुछ कुछ काम क्या है वो मैं बता देता हूँ. सो एक्चुअली अपन ने अपनी बाइक सेल के लिए निकाली है, तो दो तीन लोग देख के गए हुए हैं एंड उसमें से एक बंदे को बाइक पसंद भी आई है एंड उसने बोला है कि बाइक की एनओसी दिखा दो एंड मैंने बाइक की एनओसी ढूंढी तो मुझे पता चला बाइक की एनओसी हो चुकी है एक्सपायर्ड. वो 3 या 4 महीने तक ही वैलिडेट रहती है जब वो इशू होती है उसके बाद. मैंने सोचा कि भाई कोई बात नहीं, चलो न्यू वाली लेकर आते हैं. तो उसके लिए जाना है, साथ में जाना है बाइक की रिवैल्यूएशन निकालने के लिए. उसने बोला कि भाई एक बार कंपनी से रिवैल्यूएशन निकलवा दो कितने की होगी, तो उसी हिसाब से अपन ने सोचा कि भाई रिवैल्यूएशन निकाल के अपने देख लेते हैं कितना मिल सकता है इसका. सो दोनों चीज़ें उसको दे देंगे एंड उसके बाद वो कर देगा अपने को पेमेंट. अगर उसको एनओसी और बाकी सारी चीज़ें सही लगी तो अभी अपने को चलना है एनओसी के लिए, तो चलते हैं एंड कर निकलवाते हैं बाइक की एनओसी. सो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं मैं अभी पंचवटी पे एंड आगे से जाने की जगह नहीं थी तो अपने को थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रहता है ट्रैफिक हर रोज़, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत लोग आते जाते हैं एंड ऐसी जगह है ना कि यहाँ से 2-3 जगह से जा सकते हैं बट ये लोग है ना एक ही जगह से जाने के और भीड़ करने के से भी करते हैं. बट छोड़ो छोड़ो, ये सब लोग तो क्या ही बोले, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है एंड यहाँ पे अपने को यहाँ से लेना है यू टर्न क्योंकि अपने को वहाँ भी जाना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा सा रॉन्ग साइड में था बट वहाँ पे पब्लिक इतनी थी रॉन्ग साइड में भी कि मैंने सोचा कि भाई थोड़ा घूम के जाना ही अच्छा रहेगा. रॉन्ग साइड में जाऊँगा बिन फालतू का चलान वलान कट जाएगा और वैसे भी वो अच्छी बात नहीं है अपने लिए क्योंकि बाइक अभी भी सोल्ड आउट करना है, दैट इज़ द थिंग. एंड वैसे भी अपने रॉन्ग साइड में तो बहुत कम चलाते ही नहीं है. सो यस, आ चुके हैं अपने पंचवटी पे एंड चलना है अपने को बजाज में. वहाँ पे जाएंगे, करवाएंगे इसका एनओसी और वो सारी चीज़ें, देखते हैं कितने पैसे लगते हैं. हालांकि मैंने एक बार एनओसी ऑलरेडी ले चुका था बट वो एक्सपायर्ड हो चुके तो क्या ही करें. चलो छोड़ो, कोई बात नहीं. एंड आ चुके हैं अपने KTM एंड एज आई कैन सी न्यू वाली ड्यूक एंड RC दोनों खड़ी है टेस्ट राइड के लिए, तो चलेंगे और टेस्ट राइड भी लेंगे अगर मिल जाएगी तो, वरना चलेगा क्योंकि दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस तो है नहीं. तो फाइनली गाइस इसको यहाँ पर पार्क करके चलते हैं अंदर. थोड़ा यहाँ पे काम है KTM पे, वो बाइक का निपटा देते हैं एंड ज़्यादा दिखा नहीं पाऊँगा, थोड़ा पर्सनल है इसके लिए, तो चलता हूँ अंदर, सारा काम वाम निपटाता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ.
सो फाइनली गाइस लिविंग फ्रॉम हियर एंड अभी टाइम हुआ 11:35, एक घंटा काम निकल गया, पता भी नहीं चला। एंड अपने को जो काम था वो तो हो गया, बट अभी और थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है। यस, तो चलते अपने यहाँ से और ये सिग्नल की तरह, चलो अपने सिग्नल खत्म करते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने ऑफिस। सो अपने पहुंच चुके हैं एंड नियर बाय दी ऑफिस, और ये आंटी ने तो हमारा जीना ख़राब कर दिया था, क्या ही बोले, कब से पी 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 करते जा रही है, और तो क्या बोले, दिमाग ख़राब हो रहा है क्योंकि आज जिसके लिए मैं गया था उसका काम थोड़ा बहुत हुआ, थोड़ा बहुत नहीं हुआ। सो रिवॉल्यूशन के लिए वापस जाना पड़ेगा, एंड उसके अलावा एनओसी अपने को मिल चुकी है। जो पर्सनल काम और एक था वो तो हुआ ही नहीं, बहुत ट्राई किया बट वो तो पॉसिबल ही नहीं हुआ, वरना आज अगर हो जाता तो फिर अपना एक ड्रीम कम ट्रू हो जाता। सो दैट इज़ द थिंग। बाकी आप लोग बताएं आप लोगों का दिन कैसा रहा एंड दिन कैसा जाने वाला, आज का क्या प्लान है। बाकी अभी अपना चलते हैं ऑफिस, सारा काम वाम निपटाते हैं एंड उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ डायरेक्टली शाम को। सो फाइनली गाइज, टाइम हो रहा है 10:30 एंड लिविंग फ्रॉम हियर। आज का दिन रहा भाई साहब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, और तबीयत भी थोड़ी बहुत ख़राब हो रही मेरी, और पता नहीं ऑफिस आता हूँ तबीयत ख़राब ज़्यादा हो जाती है, इसका तो मुझे समझ में नहीं आ रहा किस वजह से है। बट चलो छोड़ो, जो था जैसा भी था आज का दिन हुआ ख़त्म। एंड बाकी सीन ये है कि आप लोगों को मैंने सुबह बता ही दिया रिवॉल्यूशन के लिए वापस एक दो बार जाना पड़ेगा। सो रिवॉल्यूशन वाला इंसान था नहीं, एंड बाकी का सीन ये है कि आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा ही काम था, एंड आज मैंने व्लॉग्स भी बहुत लेट मैंने लाइव किया। एक्चुअली मैं सुबह सारे काम की वजह से मैं व्लॉग टाइम पे लाइव करना ही भूल गया था, ऑफिस जाने के बाद भी मैं भूल गया था, फिर मेरे को 3 बजे याद आया जब मेरा ब्रेक हुआ उस टाइम पे याद आया, तो उस टाइम पे मैंने लाइव किया एंड उसके बाद आप लोगों ने सपोर्ट दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। बाकी आज का दिन रहा ऐसा ही कुछ। बाकी आई होप आज का व्लॉग आप सभी लोगों को पसंद आया हो, पसंद आया तो डोंट फॉरगेट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और पुराने हो तो आप लोगों को पता ही है करना है क्या, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी गाइज आप सभी लोगों को मिलूँगा मैं एक ऐसे ही किसी नए ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, बी सेफ, राइड सेफ, स्टे फिट, सी एवरीवन इन द नेक्स्ट ब्लॉग, साइनिंग ऑफ द शांत।